अनुग्रह वाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जय यीशु की। फिर से हम प्रभु यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के दिन हम लोग विशेष रीति से इस बात पर मनन चिंतन करें कि हमारे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है। हम लोग यूहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 29 में पढ़ते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमें समझाता है, प्रभु हमें बताता है, हमारे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा यही है कि हम उस पर विश्वास करें जिसको प्रभु ईश्वर ने भेजा है। अब हम सभी जानते हैं ईश्वर ने किसको भेजा है। हम लोग पढ़ते हैं वचन में, ईश्वर ने मानव जाति से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि हम कोई भी नष्ट ना हो जाएं बल्कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर लें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबों को प्रभु यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अब प्रभु यीशु पर विश्वास करने का अर्थ है कि प्रभु यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करना और उसकी शिक्षा पर चलना है। प्रभु यीशु की शिक्षा अनोखी शिक्षा है, ऐसी शिक्षा हम लोग कहीं भी नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु ने हम लोगों को सबसे प्यार करने के लिए बुलाया है, अपने दुश्मनों से भी प्यार करने के लिए बुलाया है। ऐसी शिक्षा आज तक दुनिया के इतिहास में किसी ने भी नहीं दी है। अब इसलिए हम में उस शिक्षा को जानने की आवश्यकता है और उस शिक्षा पर हमें चलने की आवश्यकता है। हम संत पौलुस के पत्रों में ये पढ़ते हैं, तेसलोनियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 से यदि हम लोग 18 तक पढ़ें, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, आप इस पाप पर ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करें। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करें, सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। प्रभु का वचन हमें बताता है ईश्वर की इच्छा हमें क्या है। अब प्रभु का वचन हमें बताता है हम इस बात पर ध्यान रखें, किस बात पर ध्यान रखें कि प्रभु का वचन कहता है बुराई के बदले हम बुराई ना करें। यहां पर प्रभु का वचन हमें मुख्य रीति से 5 बातें बताता है। पहली बात बताता है कि हम बुराई के बदले बुराई नहीं करें। दूसरी बात हमें बताता है हम सभी मनुष्यों की भलाई करें। तीसरी बात बताता है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। और चौथी बात हमें बताता है निरंतर प्रार्थना करते रहें। और पांचवी बात बताता है कि हम सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इन बातों पर थोड़ी देर मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु की इस शिक्षा पर हम लोग थोड़ी देर ध्यान दें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु हमें बताता है बुराई के बदले हम बुराई ना करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से यदि हम लोग पढ़ें, प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम लोगों ने सुना है कहा गया है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं दुष्ट का सामना नहीं करो।
यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल में तप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हम लोग इस बात पर ध्यान दें, प्रभु हमें सिखाता है कि पुराने जमाने से और पुराने नियम में ये शिक्षा चली आई है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और ये शिक्षा आज भी दुनिया में चलती है, दुनिया की यही रीति है, यही रिवाज है कि आंख के बदले आंख लें, दांत के बदले दांत लें। तो इसलिए सरकार जो है लोगों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उनके दोष प्रकट होने के बाद उनको दंड देता है और ये समाज में चलता है। पर प्रभु हमें बताता है कि हम जो है क्या करें, हम बुराई के बुराई बदले बुराई ना करें, बल्कि प्रभु हमें बताता है यदि कोई हमारी एक गाल में तप्पड़ मारे हम उसको दूसरा गाल भी दिखा दें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत ही कठिन है कि किसी को एक गाल में थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल दिखाना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। पर प्रभु की शिक्षा यही है। हम इतिहास में ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं पढ़ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में रानी मैया को की कुत कट्टरवादियों ने मार डाला। मार डालने के बाद उनको पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया। पर हम लोग जानते हैं कि रानी मैया की बहन ने जाके उस भाई को राखी बांधा। ना केवल राखी बांधा, उनको जो है जेल से बाहर निकालने के लिए उसने राज्यपाल को अर्जी दी। अर्जी देने के बाद उनको रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद हम जानते हैं कि वो सच कि रानी मैया के पिता के पास चला जाता है, उनके पाँव चूता है और कहता है, रानी मैया जो भला काम करती थी उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि यदि हम बुराई के बदले बुराई करें, दूसरे व्यक्ति के मन में प्यार उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति घृणा उत्पन्न होगी। पर यदि हम बुराई के बदले भलाई करें तो क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर हमारे प्रति प्यार उत्पन्न होगा और हमारा रिश्ता टूटा हुआ है फिर से एक हो जाएगा। प्रभु यीशु इस दुनिया में रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए हम लोगों को भी ये रिश्ता जोड़ना है। प्रभु यीशु के क्रूस की शिक्षा यही है कि रिश्ता जोड़े। क्रूस हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ें। इसलिए प्रभु हमें कहता है हम बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि हम बुराई के बदले भलाई करने वाले व्यक्ति बन जाएं। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। हम दूसरी बात सुनते हैं ग्रेम स्टेन्स, जो उड़ीसा में उसको और उसके दो बच्चों को गाड़ी में जला के मार दिया गया। पर हम लोग जानते हैं उसकी पत्नी ग्लैडिस ने क्या किया। उसकी पत्नी ग्लैडिस ने कहा कि मैं उन लोगों को क्षमा करती हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर से कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हम लोग सभी बाइबल तो पढ़ते हैं, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद अच्छा लगता है। पर वो बात जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमें उसको पालन करना बहुत ही कठिन लगता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने केवल सुनना काफी नहीं है, बल्कि हम लोगों को प्रभु के वचन को पालन करने की जरूरत है। इसलिए पहली बात आज प्रभु हमारे सामने रखता है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। प्रभु हमें बताता है कि हम बुराई के बदले बुराई करने वाले ना बन जाएं, बल्कि
हम बुराई के बदले भलाई करने वाले बन जाएं। हम लोग शिक्षा तो देते हैं, शिक्षा देना आसान है पर पालन करना बहुत ही कठिन है। जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं हो जाएगी और तब तक हम प्रभु के शिष्य नहीं बन सकते हैं। सभी कोई प्रभु प्रभु कहने वाले सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि जो मेरी शिक्षा सुनता है और उसका पालन करता है वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो इसलिए हम सबों को प्रभु की शिक्षा को पालन करना हमारे जीवन में अनिवार्य है और ये बात आज प्रभु हमारे सम्मुख रखता है और हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को इस वचन को पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम दुनिया के लोगों जैसा ना बने, हम बुराई के बदले बुराई करने वाले ना बने, बल्कि हम बुराई के बदले भलाई करने वाले व्यक्ति बन जाएं। इसलिए प्रभु हमें दूसरी बात बताता है कि हम सभी लोगों की भलाई करें, ना केवल उन व्यक्तियों की जो हमसे प्यार करते हैं। ये तो सभी करते हैं। यदि कोई मुझसे प्यार करता है उसके बदले मैं उससे प्यार करूंगा, पर प्रभु का वचन हमें बताता है हमें सभी लोगों की भलाई करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम दुनिया में देखते हैं हर प्रकार का विभाजन, अलगावपन हम लोग देखते रहते हैं। धर्म को लेकर, जाति को लेकर, देश को लेकर, भाषा को लेकर कि इस दुनिया में नाना प्रकार के विभाजन बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे के प्रति घृणा भी बढ़ती जा रही है और एक दूसरे के प्रति हिंसा के कार्य भी चलते हुए हम लोग समाचारों में पढ़ते हैं। पर प्रभु हमें कहता है बिना भेदभाव हम सबसे प्यार करने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि हम जानते हैं एक ही ईश्वर है और हम सभी उसी की संतान हैं। कोई किसी धर्म या जाति का व्यक्ति हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारी बहन है। इसलिए हमें सबों से प्यार करना है और सबकी भलाई करना है। विशेष रीत से हम लोगों को उस व्यक्तियों की भलाई करना है जो जरूरतमंद है। आज जो बड़े बड़े लोगों की और ये हमारे दोस्तों की साथियों की भलाई करने वाले लोग तो हैं, पर इस दुनिया में जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी भलाई करने वाले लोग नहीं है। प्रभु यीशु भला समागया के उस दृष्टांत में हमें समझाता है, जो डाकुओं के द्वारा मारकर छोड़ा हुआ व्यक्ति जो अधमरा था और वो जो है रास्ते में पड़ा हुआ था, और उधर से एक याजक गुजरा पर याजक ने उसकी मदद करना नहीं चाहा। उसने सोचा यदि मैं उसको चूलूं कहीं वो मर गया तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो कतरा कर वहां से चला जाता है। वहीं से एक लेवी वंश का व्यक्ति भी जाता है, उसको देखता है, उसको देखने के बाद वो भी यही सोचता है, शायद उसने सोचा ये मेरे वंश का मेरे जात का व्यक्ति नहीं है, और इसलिए वो भी वहां से कतरा कर चला जाता है। वहां से एक समारी व्यक्ति आता है और समारी व्यक्ति उसको देखता है, दौड़कर उसके पास जाता है और उसको देखता है वो मरा नहीं है, वो आज मरा है, और वो उसकी इलाज करना शुरू कर देता है, उसके गांवों पर पट्टी बांध देता है और उसको उठा के ये सराय पर ले जाता है और वहां पर उसकी वो चिकित्सा करता है और अपना पैसा तक उसको ठीक करने के लिए देता है। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहता है जाओ तुम भी ऐसा ही करो, यानी हम लोगों को हर एक गरीब और जरूरतमंद की सहायता करने के लिए आगे बढ़ना है। आज हमें गरीब लोगों को और जरूरतमंदों को ढूंढ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोस में, हमारे
जगहों में जहां पर हम लोग काम करते हैं, जहां पर रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कभी कभी हम लोग जो है हमारे घर में ही एक दूसरे की समस्या को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं। कभी पत्नी जो है पति को समझ नहीं पाती है, कभी जो है पति पत्नी को समझ नहीं पाता है, कभी माँ बाप बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, कभी बच्चे जो है माँ बाप को समझ नहीं पाते हैं। हम उनकी मदद करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल हम लोग अपना फायदा सोचते हैं और अपना फायदा ढूंढते हैं। पर प्रभु हमें कहता है हम इस दुनिया में अपने लिए नहीं दूसरों के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु हमें समझाता है इससे बड़ा प्यार नहीं है कि एक इंसान केवल दूसरों की मदद नहीं बल्कि अपना जान देने के लिए भी तैयार हो जाएं। यही सच्चा प्रेम है, ये बात प्रभु हमें सिखाता है। ऐसा मनोभाव हम में हर एक व्यक्ति में आने की आवश्यकता है। इसलिए हम थोड़ी देर मनन चिंतन कर देखें, आज क्या हम लोग बुराई के बदले बुराई करने वाले व्यक्ति हैं या बुराई के बदले भलाई करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन कर देखें, क्या हम लोग बिना भेदभाव सबकी भलाई करने के लिए तैयार हैं या केवल अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने गांव के लोगों के बारे में सोचते हैं या पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। हमें पूरी दुनिया के बारे में सोचना है। शायद हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, पर कम से कम हम सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है जो बुजुर्ग है कुछ नहीं कर सकता है, अपने घर में बैठकर इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच जाती है और प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देता है और उन लोगों को आशीष प्रदान करता है। आपने शायद देखा होगा जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उस समय कितने लोगों को आशीष मिलती है। हम लोग अक्सर ये गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है और प्रभु ऐसे सभी लोगों को आशीष प्रदान करता है। इसलिए हम लोगों को निरंतर दूसरे लोगों की भलाई करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 और 28 में यदि हम लोग पढ़ें तो प्रभु का वचन हमें बताता है, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं कि अपनी शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे वैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि प्रभु कहता है जो मेरी बात सुनते हैं, कि कुछ लोग प्रभु की बातें सुनते हैं पर उसका पालन नहीं करते हैं। जब प्रभु कहता है जो मेरी बात सुनते हैं, इसका मतलब है पालन करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हिंदी में एक ही शब्द है, वो है सुनना। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, हियर एंड लिसन। हियर माने केवल सुनना, लिसन माने सुनना और करना, दोनों बात इसमें आती है। इसलिए प्रभु जब कहता है जो मेरी बात सुनते हो, इसका अर्थ है कि हमें प्रभु की बात सुनना है और उसका पालन करना है। प्रभु हमें क्या कहता है? प्रभु कहता है अपने शत्रुओं से प्यार करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में सबसे बड़ी शिक्षा प्रभु की यही है। आज तक दुनिया में ऐसी शिक्षा किसी ने भी नहीं सुनाई है, केवल प्रभु यीशु ने ऐसी बात सुनाई है कि शत्रुओं से भी प्रेम करो। वो कहता है
कि तुमसे जो वही करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु कहता है। और प्रभु तीसरी बात हम लोगों में से कहता है कि हम हर समय प्रसन्न रहे। आज दुनिया में हम लोग लोगों को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है उदास, परेशान, निराश रहता है। इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग आत्महत्याएं करते हैं, अपना जीवन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। ये जो है समाज की समस्या है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यदि हम लोग फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 उसके पत्र 4 में पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग संत पौलुस को सुनते हैं। संत पौलुस कहता है प्रसन्न रहो, मैं फिर से कहता हूं प्रसन्न रहो। और ये बात कहते समय संत पौलुस आराम की जिंदगी बिता नहीं रहा था। संत पौलुस जेल में था और जेल के अंदर से, बंदी गृह से, कि जो है संत पौलुस कहता है कि तुम प्रसन्न रहो। और फिर से मैं कहता हूं कि प्रसन्न रहो। ये प्रभु यीशु की हम सबों के लिए शिक्षा है। हम सबों को हर बात में प्रसन्न रहने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, प्रेरितों को बंदी गृह में डाल दिया गया, आओ महासभा के सामने उनको लाया गया। आओ जब महासभा के सामने लाया गया, सभी लोगों ने उनकी बातों को सुनकर कि यह निश्चय किया कि उनको मार डाल दिया जाए। पर उनके बीच में महासभा में एक व्यक्ति था, प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसका नाम गमालियल। गमालियल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग यह क्या कर रहे हो, तुम लोग इन लोगों को क्यों मारना चाहते हो? कि ये जानने की जरूरत है, जे ये काम कर रहे हैं, जे ये आंदोलन है, ये प्रभु की ओर से या मनुष्य की ओर से? यदि ये आंदोलन मनुष्य की ओर से है तो अपने आप ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपको इन शिष्यों को मार डालने की जरूरत नहीं है। आप इतिहास में क्या नहीं देखते हैं, इतिहास में बहुत सारे लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया और वो खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। पर यदि ये आंदोलन प्रभु से है, हम लोग ये खत्म नहीं कर सकते हैं, हम प्रभु विरोधी माने जाएंगे। इसलिए आप इनको चुपचाप छोड़ दो, ये अपना काम करने दो। यदि ये मनुष्यों का आंदोलन है तो अपने आप खत्म हो जाएगा, पर यदि ईश्वर का आंदोलन है ये कभी खत्म नहीं हो जाएगा, ये चलता रहेगा। और प्रेरितों को, शिष्यों को महासभा ने डांटने के बाद उनको जो है छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 41 में पढ़ते हैं कि उनको कोड़ों से मारा गया था। आज वे लोग इसके लिए आनंदित हो गए, वे आनंदित होकर गए कि हम लोगों को ये प्रभु यीशु के नाम से दंड सहने के लिए भी मिल रहा है। वे दुखी नहीं हुए, आनंदित हुए। प्रभु से वो, यदि हमें कोई दुख आता है, हमें दुख सहना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, यदि हमारी बेइज्जती की जाती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रसन्न होने की जरूरत है, क्योंकि ये सब हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम अपनी हिम्मत ना हारें, बल्कि हम निरंतर जो है प्रभु के कार्य में अग्रसर रहें और हम लोग आगे बढ़ें। प्रभु का वचन हमें कहता है, चौथी बात, हम निरंतर प्रार्थना करें। हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन हमें कहता है, निरंतर प्रार्थना करो, हिम्मत ना हारो। हमारे जीवन में दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, तकलीफ, विरोध, ये सब आ सकता है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। और पांचवी बात,
प्रभु हमें कहता है हमें सभी बातों के लिए धन्यवाद देने की जरूरत है। कभी कभी हमारे जीवन में दुख आता है, कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, हम लोग उदास निराश हो जाते हैं कि हमारी दृष्टि में हम सोचते हैं ये अच्छा नहीं है। जब ये छोटे बच्चे को माँ जब कड़वी दवाई पिलाती है कि उस समय जो बच्चा सोचता है ये मेरे लिए बुराई है, और पर जो है बड़ा होने के बाद जानता है कि ये मेरे भलाई के लिए है। जब छोटे बच्चे के लिए मम्मी जो है स्कूल जाने के लिए डांटती है तो बच्चा सोचता है क्यों मेरी मम्मी जो है मम्मी से मुझे अलग कर देता है, स्कूल भेजता है, पर बड़ा होने के बाद वो जानता है मेरे भलाई के लिए है। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो कष्ट आता है, हमारे जीवन में जो दुख आता है, हमारे जीवन में परेशानी आती है, ये सारी हमारे जीवन की परीक्षाएं हैं। हम योग के ग्रंथ में पढ़ते हैं उनके जीवन में परीक्षा आया, पर वो परीक्षा में हमेशा काला उतर गया, इसलिए उसको प्रभु ने दुगुना दे दिया। इसलिए हमारे बीमारियों में, दुखों में, कष्टों में, परेशानियों में हम निराश ना हो जाएं। हमारे दुखों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे कष्टों के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि बाइबल हमें बताता है प्रभु की यही इच्छा है। हम बुराई के बदले बुराई करने वाले ना बने, बल्कि हम लोग सभी मनुष्यों की भलाई करने वाले बने। हम हर समय हमारे जीवन में हर बातों में प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करें और सभी बातों के लिए धन्यवाद दें। और प्रभु का वचन कहता है हमारे जीवन के लिए प्रभु की यही इच्छा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अनुग्रहवाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करें ताकि हम लोग सदैव जो है हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले व्यक्ति बने। ये प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने सदैव जो है पिता की इच्छा पूरी किया। आपने जैसेमनी बाग में भी यही कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रभु हम जीवन के हर एक मोड में, हर एक समस्या में, हर बातों में हम लोग भी यही कह सकें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हम सदैव तेरी इच्छा पूरी करने वाली तेरी संतान हम लोग बन सकें, यही प्रार्थना करते हैं अपनी प्रभु यीशु के नाम में।